हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वॉचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज जैनिज्म। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑफ बुद्धिज्म अर्लियर। ओके, तो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक एंड वील डू इट इन डिटेल। ओके, तो सबसे पहले देखिए, आज हम जैनिज्म की शुरुआत करने वाले हैं। तो जैसा कि बुद्धिज्म भी मैंने पढ़ाया था आपको पहले, तो थोड़ा सा मैंने पृष्ठभूमि दिया था और थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था, तो वो मैंने यहां लिख दिया है। जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। देखिए, वैदिक पीरियड का समय जो है 1500 टू 600 बीसी, जिसमें ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड जो है, जिसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, 1500 से 1000 बीसी, और लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक का है। यानी पूरा टाइम पीरियड 1500 से 600, ये देखिए 1500 से 600 बीसी तक का समय वैदिक पीरियड का है। वैदिक पीरियड के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय आएगा आपको, 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है। यानी कि 6th सेंचुरी बीसी हम कहते हैं महान परिवर्तनों का काल, द पीरियड ऑफ ग्रेट चेंजेस, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस होते हैं। इसी पीरियड को हम बुद्ध पीरियड भी कहते हैं। यहां पर 16 महाजनपदों की बात होती है, ठीक है, 16 महाजनपदों की बात होती है, और 16 महाजनपदों में से मगध सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आता है, और यहीं पे कई डायनेस्टीज बाद में उभरती जाएंगी। पहले आपको हर्यक डायनेस्टी, हाँ, हर्यक डायनेस्टी के बाद वहां पर आपको शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के खत्म होने के बाद एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव पड़ेगी, जो कि कौन सा साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार के एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण करेंगे, ठीक है, साम्राज्य बनाएंगे। तो एक बहुत बड़े साम्राज्य का कॉन्सेप्ट जो होगा यहीं से शुरू होगा, मगध से, लेकिन ये बाद में होगा। 6th सेंचुरी बीसी में सक्सेस ऑफ मगध को हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये वैसा समय है कि लेटर वैदिक पीरियड में हम लोहे को समझ पाते हैं, लोहे की जानकारी हमें मिल जाती है, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए जो कि हेल्प करेगा लोहे की जानकारी, सेकेंड अर्बेनाइजेशन यानी कि द्वितीय नगरीकरण में, और यहीं पे कुछ रिलीजियस मूवमेंट होंगे, जिसमें बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट होंगे, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण रूप से आएंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म। बुद्धिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो रिलीजियस मूवमेंट जो है ये बुद्धिज्म और जैनिज्म होगा, आज हम जैनिज्म पढ़ेंगे। तो ये महान परिवर्तनों का काल, जिसे हम या तो बुद्ध का पीरियड कहें, हाँ बुद्ध काल कहें, या महान जनपदों का काल कहें, या हम कहें द्वितीय नगरीकरण का काल कहें, या धार्मिक आंदोलनों का काल कहें, 6th सेंचुरी बीसी को हम कुछ भी कह सकते हैं। हुआ क्या था कि देखिए, यहां पर सिंपल लिविंग थी लोगों की, यहां पर आते आते लेटर वैदिक पीरियड में कर्मकांड, पशु बलि यानी सैक्रिफाइसेस, ठीक है, आडंबर पूजा पाठ में, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, ये सब बढ़ने लगे थे, और इससे लोग उबने लगे। जब लोग उबने लगे तो इन्हीं के खिलाफ दो धर्म आते हैं, हाँ, बहुत स्ट्रॉन्गली इनका अपोज करेंगे, और ये दो धर्म थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म। हालांकि जैनिज्म बहुत पहले से आ चुका था, यहां इसका प्रचार प्रसार जो होगा और इसको ज्यादा महत्व मिलेगा महावीर स्वामी की वजह से, जिसको हम लोग देखेंगे। बुद्धिज्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गौतम बुद्ध बुद्धिज्म को लेकर आए थे, यानी बौद्ध धर्म को लेकर आए थे, और जैनिज्म जो है वो तो बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन इस समय जो है 6th सेंचुरी बीसी में ये जो है इसको एक बड़ा आधार मिलेगा, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक जैनिज्म होगा, और जैनिज्म को भी हमने बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा है, वो भी आप देख लीजिए। पहला हम यहां से देखें, देखिए ये हमारा जैनिज्म आज का टॉपिक है, और ये जैनिज्म आज का टॉपिक है, यहीं से शुरुआत हो रही है, अभी तो कम से कम 3-4-5 वीडियो लगेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैनिज्म की अगर हम बात करें तो अलग अलग हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं। देखिए, जैनिज्म में वैसे तो 24 तीर्थंकर है, यानी कि रिलीजियस लीडर्स जिसको कहते हैं, तो 24 तीर्थंकरों की बात है, लेकिन 24 को नहीं पढ़ना है, कम से कम 10 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन की जानकारी, एक एक लाइन सिंबल्स की और उनके उनके नाम और थोड़े बहुत जानकारी हमको ले लेनी है, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल तीर्थंकर, यानी ऐतिहासिक तीर्थंकरों की बात होगी, तो दो ही लोगों को माना जाता है, पार्श्वनाथ और
महावीर को, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर थे कौन, महावीर स्वामी। इनके पहले 22 तीर्थंकर हुए, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे इन्हीं से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टीचिंग्स एंड फिलोसफी की, यानी कि शिक्षाओं की, जैन धर्म की शिक्षा क्या थी और उनका दर्शन क्या था, इसी में मान्यताएं भी आ जाएंगी, ठीक है, फिलोसफी में ही। उसके बाद जैन संगीतियों की बात करेंगे, दो बौद्ध संगीति हुए थे उनकी बात करेंगे, ठीक है। बौद्ध जैन साहित्य की बात करेंगे, ठीक है, जैन साहित्य की बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे और बाद में आखिरी में डाउनफॉल पतन की बात करेंगे हम लोग इस पूरे टॉपिक में, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, एक तो तीर्थंकरों पे थोड़ी सी बात होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, और हिस्टोरिकल तीर्थंकर्स में हमारी बात होगी पार्श्वनाथ की। तो ये दोनों तीर्थंकर और पार्श्वनाथ को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं और हम आगे देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं जैन धर्म का, जैनिज्म की शुरुआत करते हैं। जैनिज्म की अगर हम बात करें तो इसके कई उपनाम भी हैं, सब नेम्स, अदर नेम्स। तो कुछ अगर उपनाम की बात अगर हो, अदर नेम्स कह लें, इसे सब नेम्स कह लें, ठीक है, या हिंदी में इसे उपनाम कह लें, तो कई नाम आपको मिल जाएंगे इसके। जैसे कहीं आपको पढ़ने के लिए मिल जाए कुरुचक्र, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, या आपको पढ़ने के लिए मिल जाए यापनीय, ठीक है, यापनीय, या आपको कहीं पढ़ने के लिए मिल जाए निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ तो आपके सामने आएगा ही, ठीक है, और या आपको मिले श्वेतपट, श्वेतपट, कुरुचक्र, यापनीय, निर्ग्रंथ, श्वेतपट, अगर आपको कहीं मिलता है, इट मीन्स की बात हो रही है जैनिज्म की। कुछ उपनाम कहें, सब नेम कहें या अदर नेम कहें जैनिज्म के, तो आपको ये मिलेंगे। देखिए अब जैनिज्म का मतलब क्या है, देखिए जैनिज्म एक जो शब्द बना है, ठीक है, या जैन कहें या जैनिज्म कहें, एक शब्द आता है, शब्द आता है जीन, ठीक है, जीन, या हम जीना कहते हैं, ठीक है, ये एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, ठीक है, संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है, मीनिंग जो इसका होता है, मीनिंग होता है विक्ट्री ओवर, ओवर सेंसेस, सेंस का मतलब इंद्रियां, यानी इंद्रियों पर अगर विजय पा लिया गया उसी को हम जिन कहते हैं, ठीक है। विनर मीनिंग आप निकाल सकते हैं, मीनिंग आप ऐसे लिख लीजिए, आप सीधा लिख लीजिए इसको, ऐसे लिख लीजिए, मीनिंग होता है विनर, मैंने यहां पे मीनिंग लिखा था ना, मीनिंग, और इसका मतलब होता है विनर, यानी कि विजेता। तो कैसा विजेता, विक्ट्री ओवर सेंसेस, ठीक है ना, इंद्रियों पर जिसने विजय पा ली, इंद्रियों पे जिसने जीत हासिल कर ली उसी को जीना कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की बात होती है, जैन धर्म के, जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। अब तीर्थंकर्स का मतलब क्या होता है, रिलीजियस लीडर्स, आप कहेंगे रिलीजियस लीडर्स, ठीक है, तीर्थंकर का मतलब समझ लीजिए रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। 24 तीर्थंकरों का मतलब, तीर्थंकर का मतलब होता है
रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक जो गुरु होंगे उन्हीं को कहा जाएगा तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर। अब तीर्थंकर इसमें देखेंगे तो दो तरह के, इसमें दो कैटेगरी है तीर्थंकर के। एक है हिस्टोरिकल, ठीक है, और दूसरे हैं नॉन। एक है नॉन हिस्टोरिकल, पहले नॉन हिस्टोरिकल लिखिए, नॉन हिस्टोरिकल, और दूसरे हैं हिस्टोरिकल। मतलब अनैतिहासिक और ऐतिहासिक। मतलब अनैतिहासिक का मतलब कि जिनके बारे में जो रिकॉर्ड ही नहीं है, या है भी तो वो संदेहास्पद है, ठीक है ना, कहा जाता है या तो रिकॉर्ड ही नहीं है कुछ इनके बारे में ज्यादा कुछ रिटेन, या है भी तो हाँ उस पर डाउट है, निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक जो है तीर्थंकर, उनका रिटेन रिकॉर्ड है, हाँ, जिसको कि प्रमाणित किया जा चुका है, ये बात है। ठीक है, अब देखिए नॉन हिस्टोरिकल में 22 तीर्थंकर है, 1 to 22, जिसमें ऋषभदेव से शुरू होगा, अभी हम बात करेंगे इसको बताने के बाद आगे। ठीक है, जबकि हिस्टोरिकल में अभी मैंने बताया 1 से 22 तक जो है वो नॉन हिस्टोरिकल है। तो एक तो है पार्श्वनाथ, 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 ठीक है, और दूसरे हैं महावीर स्वामी। ठीक है, ये हैं 23rd तीर्थंकर और ये हैं 24th तीर्थंकर। तो अब यहीं पे आपको समझना है, आप समझ लीजिए इसको। देखिए करना क्या है, जैनिज्म में अगर आपको मिल जाए, आगे अभी हम तीर्थंकर को देखेंगे, ठीक है, तो जैनिज्म के कुछ उपनाम है या दूसरे नाम है आपको याद रखना है, कुरुचक्र, यापनीय, निर्ग्रंथ या श्वेतपट। ठीक है, तो इस पे सवाल बन सकता है। देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीएससी पीसीएस हर जगह सवाल बनेंगे ही बनेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब जैनिज्म कहां से डेवलप हुआ है ये शब्द, तो जिन नाम के शब्द से, जीना या जिन संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है विनर यानी विजेता। कैसा विजेता, विक्ट्री ओवर सेंसेस, इंद्रियों पर जिसने जीत हासिल कर ली। ठीक है ना, इंद्रियों पे जिसने जीत हासिल कर ली। यहां पर 24 तीर्थंकरों की बात होती है हाँ जैन धर्म में, लेकिन 24 तीर्थंकरों में 1 से 22 तक जो तीर्थंकर हैं, मतलब पहले जो 22 तीर्थंकर हैं उनका जो इतिहास है वो ना के बराबर है, बहुत कम जानकारियां हैं, ना के बराबर जानकारी है, और अगर कहीं रिटर्न है भी तो कहा जाता है संदेहास्पद है। तो ये आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे करीब 10 तीर्थंकरों के बारे में, उनके सिंबल्स को जानेंगे, प्रतीकों को जानेंगे। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक जो है तो एक तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो देखिए इन्हीं के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है, और उसमें भी सबसे ज्यादा डिटेल हमें पढ़ना है महावीर स्वामी के बारे में। इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, आज पढ़ेंगे इनके बारे में, तो थोड़ा सा थोड़ी जानकारी है इनके बारे में, लेकिन है तो इसलिए देखिए एग्जामिनेशन में जो सवाल बनता है कई बार, अगर आपसे पूछा जाएगा, अभी हम बताएंगे, पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव, ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल तीर्थंकर या हिस्टोरिकल रिलीजियस लीडर, तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ। ऐतिहासिक अगर दिया रहेगा, देखिए शब्दों का हेर फेर है, पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव, अभी हम बताएंगे, और लेकिन ऐतिहासिक अगर पहले तीर्थंकर अगर ऐसे पूछा जाए, पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव, उनको आदिनाथ भी कहते थे, या फर्स्ट नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर, वो भी ऋषभदेव, लेकिन अगर पूछा जाए पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ, ये आपका सवाल यहां से बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम तीर्थंकरों को देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए अब यहीं पे बात करेंगे हम तीर्थंकर की, जैनिज्म में
तीर्थंकर थे, टोटल कितने 24, लेकिन हम 24 को नहीं पढ़ेंगे, कुछ को ही पढ़ेंगे। तीर्थंकर का मतलब रिलीजियस लीडर्स या गुरु, ठीक है। तो अब देखिए जैनिज्म में जो तीर्थंकर होंगे 24, आपको याद रखना है कि 24 थे, लेकिन हम पढ़ेंगे कितना, देखिए यहां रखिए नाम लिखिए, यहां नाम लिखिए नेम और यहां लिखिए सिंबल, कुछ प्रतीक चिन्ह, सिंबल्स यानी प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां मैं ऐसे चलिए, अब यहां पहला लिखिएगा ऋषभ देवा, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, ठीक है आदिनाथ। और इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल है आप या तो ऑक्स कह ले, ठीक है ऑक्स मतलब बैल, या हम ऑक्स के बदले बुल भी लिख सकते हैं, सांड भी लिख सकते हैं, हिंदी में वृषभ बैल सांड कुछ भी कह ले, ठीक है। दूसरा, दूसरे हैं अजीतनाथ, अजीतनाथ तो इनका जो सिंबल होगा अजीतनाथ का, ये होगा आपको एलिफेंट, हिंदी में गज आ जाए गज, गज भी कहते हैं, या हाथी आ जाए गज भी कहते हैं हाथी को, तो कुछ भी लिख लीजिएगा आंसर आपका एलिफेंट हाथी। उसके बाद संभवनाथ, संभवनाथ है, संभवनाथ का हो जाएगा हॉर्स, हॉर्स अश्व या घोड़ा कुछ भी कह सकते हैं सिंबल। चौथे में अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ का जो सिंबल होगा वो मंकी, आप हिंदी में कपि कहें बंदर कहें कुछ भी कहें, ठीक है। अब इसके बाद बीच के बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उतना नहीं जानना, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है उतना जानना भी नहीं है, 24 के बारे में जानना बेकार है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं सीधे 19th, यहां पे है मल्लीनाथ या मल्लनाथ, ठीक है मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ का जो सिंबल है वो है कलश, कलश अर्न बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आप कलश लिख सकते हैं अर्न कलश, ठीक है ना। उसके बाद मुनि सुव्रतनाथ, ना थोड़ा बहुत स्पेलिंग में अंतर आ सकता है, ठीक है ना। इनका है टॉर्टवाइज, टॉर्टवाइज यानी कि कछुआ, ठीक है आप याद रखिएगा। 21 में आपको नेमी, नामी बेसिकली कहते हैं, नामी या नेमी लिखा हुआ मिलेगा, नेमी, ठीक है। इनका जो है वो है ब्लू लोटस, नीला कमल, ठीक है नीला कमल, ब्लू लोटस का मतलब कमल होता है। 22 में देखिए, अब 22 में अगर आप देखते हैं तो 22 में है अरिष्ट नेमी, ठीक है, या नेमी नाथ या नामी नाथ या नेमी, ठीक है ना, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, या तो हम इनको कहें नेमी नाथ या अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, नाम नेमी नाथ या अरिष्ट नेमी, ठीक है ना। तो इनके लिए हम लिखेंगे शंख, शंख बोलते हैं ना इसको, कोंच भी बोलते हैं, मैंने हिंदी में ही लिखा कोंच भी बोलते हैं, शंख का स्पेलिंग देख लीजिएगा तो कोंच भी बोलते हैं, ठीक है शंख, ठीक है। और 23 तो है, 23वें अभी मैंने बताया पार्श्वनाथ, पार्श
वनाथ। तो पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ के बारे में अगर हम देखें तो पार्श्वनाथ ये पूरा ही आप ये कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहां पे ये मिला लीजिए पूरा ताकि कहीं दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, शंख पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और इनका था स्नेक वुड। स्नेक आ जाए या स्नेक वुड का मतलब सांप का फन, स्नेक वुड या सर्पेंट वुड कुछ भी लिखा दीजिए सांप से रिलेटेड। सांप का फन आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको, सांप का फन, ठीक है। और 24वें हैं महावीर स्वामी, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा लायन या सिंह या शेर, कुछ भी कह ले, लायन शेर सिंह कुछ भी लिख ले। तो ये हमारे पास देखिए है क्या कि अगर हम इन 10 के बारे में, 4 ये और 6 ये, इन्हीं 10 के बारे में हमें जानकारी रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले है ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी कहा जाता था, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो ऑक्स या बुल, या हम कहें बैल सांड वृषभ कुछ भी कह ले। अजीतनाथ हाथी, एलिफेंट हिंदी में हाथी एलिफेंट अभी कहेंगे इंग्लिश में, या गज कहेंगे जो संस्कृत का वर्ड है, तो कुछ भी दे देता है। संभवनाथ तीसरे, अश्व घोड़ा हॉर्स कुछ भी है। अभिनंदन नाथ मौंकी कपि या बंदर कुछ भी कह सकते हैं। मल्लीनाथ अर्ण या कलश, हाँ। मुनि सुवर्तनाथ टॉर्टोइज या कछुआ। नामी या नेमी, ठीक है, नेमिन, नामी या नेमिन, ठीक है, ब्लू लोटस देखिए ये भी नेमीनाथ है, तो ये आपको कंफ्यूजन ना हो, नेमीनाथ या अरिष्ट नेमी इनका शंख है, ठीक है ना, शंख यहां तक ले आइए कंफ्यूजन ना हो कि इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है शंख, ठीक है। उसके बाद 23वें है पार्श्वनाथ जिनका सिंबल है स्नेक वुड, ठीक है ना, मतलब सांप का फन, ठीक है, सांप का फन, सांप स्नेक की जगह सर्पेंट भी लिखा हुआ आएगा, अगर ये वुड ना लिखा हो तो आप खाली स्नेक या सर्पेंट भी हो तो वो चलेगा। महावीर स्वामी लॉयन, तो ये बातें आपको इनके बारे में जाननी थी तो ये जरूरी है। और इसमें दो बातें मैंने बताई थी कि 23वें और 24वें को ही हमें पढ़ना है, ठीक है, एक तो पार्श्वनाथ को पढ़ना है, ठीक है, और एक महावीर स्वामी को पढ़ना है, अभी मैंने बता दिया था। यही जो दो हैं ये हिस्टोरिकल तीर्थंकर है, ठीक है, तभी मैंने कहा अगर कहा जाए कि पहला तीर्थंकर तो ऋषभदेव या आदिनाथ, हाँ, पहला अनैतिहासिक या नॉन हिस्टोरिकल तीर्थंकर तो ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है, लेकिन कहा जाए पहला ऐतिहासिक या फर्स्ट हिस्टोरिकल तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके बारे में इन दोनों के पहले मतलब एक से लेकर ये 22 तक जितने भी होंगे ना इनके बारे में नाम मात्र की जानकारी है, या जो जानकारियां हैं भी वो संदिग्ध है, डाउट है उस पर, इसलिए क्योंकि इतिहास में कोई बहुत ज्यादा रिटन रिकॉर्ड नहीं है इसलिए इनको अनैतिहासिक कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें और जानना है, इसमें एक है ऋषभदेव और दूसरे हैं अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी ये देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं ऋषभदेव, देखिए पहले तीर्थंकर, पहले एक तो ऋषभदेव, देवा, और ये हैं अरिष्टनेमी या नेमीनाथ 22वां और 22वां अरिष्टनेमी। इन दोनों के बारे में ऋग्वेद में जानकारी है, ऋग्वेद
ऋग्वेद में इनकी चर्चा है, इनका रेफरेंस है ऋग्वेद में, ठीक है ना। अब क्या है देखिए, इनको ऋषभ देव को, अगर हम ऋषभ देव को देखें तो ऋषभ देव को माना गया है इनकार्नेशन, थोड़ा और इधर लिख दो, इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। इनकार्नेशन का मतलब अवतार, ऋषभ देव को इनकार्नेशन माना गया है किसका, विष्णु का। और अरिष्ट नेमी का को कहा गया है कि कजिन, किसके कजिन ऑफ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के चचेरे भाई, हिंदी में कहेंगे चचेरे भाई, क्योंकि कजिन से अंग्रेजी में गड़बड़ हो जाएगा, मेरे भाई चचेरे भाई फुफेरे भाई, चचेरे भाई के रूप में कजिन बताया गया है, ठीक है। और इनको कहा गया है, यानी कि अगर कजिन है तो अरिष्ट नेमी श्री कृष्ण के समकालिक हुए, कंटेम्पररी हुए। यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि इनमें से अगर चार ऑप्शन दिया जाता है, कौन श्री कृष्ण के समकालिक थे या कौन कृष्ण के कजिन या चचेरे भाई थे, तो कहेंगे अरिष्ट नेमी, ठीक है। और ऋषभदेव, ऋषभदेव अवतार माना गया है विष्णु का, और चर्चा कहां मिलती है, ऋग्वेद में, ठीक है, इनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। अब देखिए यहां पर ये जो मल्लीनाथ है, ठीक है ना, मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ को कहा गया कि पहले वह महिला थे, कहा जाता है, इसमें से आ जाएगा कभी कि कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको बहुत जगह पे, देखिए श्योर नहीं है लेकिन बहुत जगह पे चर्चा होती है कि ये महिला थे। ये भी चर्चा होती है कि पहले ये महिला थे, फिर इन्होंने जन्म लिया और पुरुष के रूप में, और फिर ये तीर्थंकर बने, ये भी कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा तीर्थंकर है, हाँ, जिसे महिला के रूप में भी देखा गया, तो मल्लीनाथ, ठीक है। तो ये पहली बात, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहां तक तो आपने समझ लिया, थोड़ा मैं मिटा देता हूं। ऋषभ देव के बारे में कुछ चीज मुझे बतानी है, तो ये तो आप समझ लीजिए, समझ लिए हैं, ठीक है, इतना सब कुछ समझ चुके हैं, तो खाली मैं ऋषभ देव को रखता हूं और कुछ चीजें मैं लिखूंगा इनके बारे में, और बाद में पार्श्वनाथ पे तो हम पूरा डिटेल पढ़ने ही वाले हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, यहां पर ऋषभ देव देखिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा छोटा तो मैं बोल देता हूं, कई बार मजबूरी हो जाती है छोटा लिखा है जगह की कमी से। तो देखिए ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी की चर्चा, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर, अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी की चर्चा मिलती है कहां पे, ऋग्वेद में, ठीक है। ऋषभ देव के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, हाँ यहां तक देखिएगा, इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, विष्णु के अवतार के रूप में इनको देखा गया है किसे। अब सवाल आ जाएगा आपसे अब से कि विष्णु के अवतार के रूप में किस तीर्थंकर को देखा गया है, तो ऋषभ देव को, ठीक है। और अरिष्ट नेमी के बारे में क्या चर्चा है कि ये कजिन ऑफ श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण के कजिन के रूप में इनको देखा गया है, ठीक है, चचेरे भाई के रूप में श्री कृष्ण के, यहां श्री कृष्ण लिखा हुआ है, मैंने मैं बोल देता हूं अगर दिखाई ना दे रहा हो तो, श्री कृष्ण, तो कजिन की जगह पे मैंने चचेरा भाई भी लिख दिया, क्योंकि कजिन अंग्रेजी में अगर बोलते हैं तो मेरा चचेरा फुफेरा कुछ भी हो जाता है, तो चचेरे भाई के रूप में देखा गया है। तो यह सवाल बन सकता है कि कौन था जो कृष्ण का समकालिक था, ठीक है, या कंटेम्पररी था, हाँ उसी समय का था, मतलब एक ही समय का, एक ही पीरियड के, तो कौन सा ऐसा तीर्थंकर था, तो आप कहेंगे अरिष्ट नेमी, जो 22वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं थोड़ा सा मिटाकर ऋषभ देव के बारे में कुछ चीजें रखूंगा। आइए कुछ छोटी मोटी जानकारी है ऋषभ देव के बारे में, वो हम देख लेते हैं। ऋषभ देव के सन, इनके दो बेटे माने गए, ठीक है, एक भारत और दूसरे बाहुबली, अभी मैं बताऊंगा। देखिए ऋषभ देव जो थे ये किंग थे, कहां के, अयोध्या के, ये आप याद रखिएगा। दो सन भारत और बाहुबली, बाहुबली का एक और नाम है गोमेतेश्वर,
गोमतेश्वर। अब देखिए ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे उनके बारे में चर्चा मिलती है कि उनके दो बेटे थे भारत और बाहुबली। तो कहा जाता है कि इन्होंने संन्यास ले लिया था और भारत के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया था। ऋषभदेव ने अयोध्या के राजा थे और भारत के लिए इन्होंने अयोध्या के राजा थे और भारत के लिए इन्होंने अपना राजपाट पूरा छोड़ दिया था। और ये कहानियां हैं कि भारत के लिए ही इसी भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये कहानी है, इसको सही मत मानिए। कई जगह पे मैंने जब अधिकृत पढ़ाया था तो वहां यह भी मिला है कि भारत एक कबीला हुआ करता था, जन्म हुआ करता था आर्यों का, उसके नाम पे पड़ा, ये भी कहानियां मिलती है। तो ये सब कहानियां हैं, ठीक है। ये जो हकीकत है बाहुबली के बारे में, आपने फिल्म भी देखी होगी बाहुबली, ठीक है। तो देखिए गोमतेश्वर की एक मूर्ति है या बाहुबली की एक मूर्ति है, कहां पे? देखिए ये मूर्ति जो है एक स्टैचू है, कहां पे है ये स्टैचू जो है, ये 17.5 मीटर की है, ठीक है, बहुत विशाल मूर्ति है। और ये पत्थरों को काट काट के बनाया गया है, पहाड़ों को काट के बनाया गया है, ठीक है। और ये गोमित, ये जो मूर्ति है ये कहां पे है, श्रवण बेलगोला, ध्यान रखिएगा, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, मैं हिंदी में लिख देता हूं, श्रवण बेल, ठीक है, श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला है कहां पे, ये इन हासन डिस्ट्रिक्ट, हासन जिले में, कहां पे, कर्नाटका में। अब इसके साथ होता क्या है, ये जो मूर्ति है इसका होता है एवरी 12 ईयर महामस्ताभिषेक, महामस्ताभिषेक, महामस्ताभिषेक होता है कहां पर, श्रवण बेलगोला में, कर्नाटका में। और यह है कहां पे मूर्ति, 17.5 फीट की मूर्ति है, यह है आपको कर्नाटका के हासन जिले में है, ठीक है। महामस्ताभिषेक जो होता है यह होता क्या है, और यह होता है कब, एवरी, देखिए हर 12 साल पे महामस्ताभिषेक होता है। महामस्ताभिषेक एक बहुत बड़ा उत्सव है, ठीक है, वहां का, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हर 12 साल पे होता है और इसमें दूध से, दही से, सिंदूर से, चंदन से, ठीक है ना, नहलाया जाता है या लेप लगाया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर यह उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना, इसी को महामस्ताभिषेक कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो है महामस्ताभिषेक यूपीएससी में आ चुका है, यूपीएससी में आ चुका है, तो स्टेट सर्विसेज में दे भी सकता है कहीं, ठीक है ना। महामस्ताभिषेक बिल्कुल याद रखिएगा, बाहुबली या गोमतेश्वर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक होता है पदाभिषेक, एक तो महामस्ताभिषेक होता है, एक होता है पदाभिषेक, ये होगा आपको एवरी ईयर एनुअली होता है, ठीक है। देखिए तो ये होता है हर 12 सालों पे, 12 वर्षों पे, और ये एवरी ईयर यानी कि एनुअली हर वर्ष होता है पदाभिषेक, याद रखिएगा। मेन ये महत्वपूर्ण है, जान लीजिए दोनों, कहीं आ जाए तो अलग बात है। पदाभिषेक हर साल होता है, हर वर्ष होता है, और महामस्ताभिषेक एवरी 12 ईयर पे होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, महामस्ताभिषेक जो है, महामस्ताभिषेक ये 1982 में हो चुका है, ठीक है, 1995 में हो चुका है, 2007 में हो चुका है, 2019 में हो चुका है, तो 12 साल पे ये होता है। हालांकि 95 में थोड़ा 12 से ज्यादा ये वाला,
तो 12 सालों पे होता है, अगर 12 जोड़ते हैं तो 1994 में होना चाहिए था, लेकिन ये शायद 95 में हुआ है, ठीक है। तो 2007 2019, तो अगर हम 12 सालों पे जोड़े तो अगला जो होगा वो अगला 2031 में होना चाहिए, ठीक है। अगला 2019 है ना, तो हाँ 2031 में होना चाहिए अगला, ठीक है, नेक्स्ट 2031 में होना चाहिए, बाकी यहां तक हो चुका है, अगला 2031 में 12 सालों पे अगर होता है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां इंपॉर्टेंट बातें जो हमने देखी, देखिए ऋषभदेव और आदिनाथ के बारे में, ये तो आपको पहले ही हो गया कि इनका जो प्रतीक चिन्ह या सिंबल है ऑक्स या बुल, ऋषभ, ठीक है, बैल कुछ भी कह ले, ठीक है। इनके दो बेटे, एक भरत और दूसरे बाहुबली, गोमतेश्वरा भी इनको कहते हैं बाहुबली को, ठीक है। इनका एक स्टैचू है बाहुबली का, कहां पे, श्रवण बेलगोला हासन डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत बड़ा विशाल ये मूर्ति है, ठीक है, और कर्नाटका में है श्रवण बेलगोला, ठीक है। तो ये आप श्रवण बेलगोला याद रखिए, हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। और इसका जो एक अभिषेक होता है जिसे महामस्ताभिषेक कहते हैं, बहुत बड़ा अभिषेक होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है, ये हर 12 साल पे होता है, ठीक है। लेटेस्ट जो हुआ है 2019 में हुआ है, ये सवाल भी बन सकता है कि लेटेस्ट कब हुआ है, तो लेटेस्ट 2019 में हुआ है, ठीक है ना, आखिरी बार 2019 में, तो ये सवाल बनता है। तो महामस्ताभिषेक यूपीएससी में आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ऋषभदेव जी थे वो अयोध्या के राजा थे, उन्होंने अपने इस बेटे के लिए, भरत के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया था, और कहते हैं कि भरत के नाम पे ही भारतवर्ष का नाम जो है भारत पड़ा, ये किंवदंती है, ठीक है ना, कहा जाता है। वैसे मैंने बताया कि जब हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे तो वहां जब हम कबीलों की बात या आर्यंस की बात या जन की बात करते थे तो वहां भी एक कबीला था या ट्राइबल ग्रुप था जिसे भरत कहा जाता था, भरत कबीला था। यह भी आता है कि उनके नाम पे भी इस देश का नाम भारत पड़ा, तो अलग अलग कहानियां हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन जो बनेगा यहां पे, ये महा मस्ताभिषेक से बन सकता है सवाल, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल तीर्थंकर्स, ठीक है, ऐतिहासिक तीर्थंकरों की बात करेंगे अब हम, हिस्टोरिकल तीर्थंकर। तो हिस्टोरिकल तीर्थंकर मैंने कहा था कि 1 से 22 तक नॉन हिस्टोरिकल है, ठीक है ना, और हमारे जो 22वें और 23वें, सॉरी 23वें और 24वें, ठीक है, 23rd तीर्थंकर, ठीक है, और 24th तीर्थंकर। तो 23rd कौन है, 23rd है पार्श्वनाथ नाथ, और 24th है महावीर स्वामी, ठीक है। तो हमें इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्श्वनाथ को, मैंने पहले भी बताया था, ज्यादा हमें इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, ठीक है, हमने बता दिया, ठीक है। इनका जो सिंबल है, सिंबल की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, सिंबल मैंने अभी बताया है क्या, स्नेक, सांप का फन, ये सिंबल है इनका, प्रतीक, ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब देखिए 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं, इनके फादर, ठीक है, फादर कौन थे भाई, फादर का नाम था इनके अश्वसेन, ठीक है, और ये किंग थे कहां के, काशी कहें या बनारस कहें, ये किंग थे काशी कहें या बनारस कहें, इनकी मदर
का नाम था प्रभावती। ये सवाल नहीं बनने वाला है बट इससे फादर मदर के नाम से, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30, ठीक है, एंड डिड 83 डेज तपा। तपा मतलब तपस्या, हिंदी में भी लिख दूं मैं तपस्या। कहां पे? एट समेद माउंटेन, समेद माउंटेन। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा माउंट समेता, एक ही बात है, माउंट नाम में थोड़ा बहुत फर्क मिल सकता है। समेता पर्वत, माउंट समेता, समेद पर्वत, और यह है कहां पे? झारखंड में। ठीक है ना, आज झारखंड में, पहले तो बिहार में हो, ठीक है। तो और उस समय तो और भी बंगाल वाल सब एक ही था, बंगाल बिहार ये सब एक ही था, झारखंड। तो ये तपस्या करते हैं कहां पर? 30 साल की एज में घर छोड़ते हैं, 83 दिन का तप करते हैं एट समेद माउंटेन या माउंट समेता। कहां पे है ये? झारखंड में, ठीक है। और यहीं पे इनको फिर क्या होता है, अटेंड इन एनलाइन। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह ऐसा लिखा होगा कि निर्वाण प्राप्त कर लिया, बहुत जगह लोगों ने लिखा, बहुत जगह आपको नेट पे भी मिलेगा, किताबों में भी लिखा मिलेगा कि निर्वाण प्राप्त कर लिया तो उसको लोगों ने डेथ मान लिया। जब ये पावापुरी में जब इनकी डेथ होती है उसको कहा गया है बहुत जगह निर्वाण। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने बुद्धिज्म में भी बताया था और इस पर मैं एक छोटा वीडियो भी बनाऊंगा कि निर्वाण इसी जन्म में मिलता है, वो डेथ नहीं होता। कहीं भी आपको मिल जाए कि पावापुरी में या पावा में कहा जाता है किसका, महावीर स्वामी का, ये तो हम पढ़ रहे हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो महावीर स्वामी के बारे में कहा गया है कि पावा में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, हाँ निर्वाण प्राप्त को पावा में उनकी डेथ हुई और वहां पर लिख दिया गया कि निर्वाण प्राप्त को हुआ। तो ये मत समझिएगा कि हाँ एनलाइटेनमेंट का मतलब है निर्वाण, समझ लीजिए निर्वाण मतलब एनलाइटेनमेंट, मैं लिख भी देता हूं। निर्वाण प्राप्त किया, अगर निर्वाण की बात करेंगे तो इसी जन्म में, मतलब निर्वाण का मतलब ये होता है, समझ जाइए कि मैं हम पढ़ रहे हैं पार्श्वनाथ के बारे में लेकिन मैं महावीर स्वामी के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके बारे में लिखा जाता है कि वहां पे इनकी पावापुरी में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ और वो डेथ के सेंस में लिखा जाता है, मृत्यु के सेंस में, ठीक है ना। तो ये निर्वाण जो होता है, आप कंफ्यूजन में मत रहिए, कहीं मिल जाए आपको किताब में या नेट पे कि डेथ के सेंस में मिल जाए निर्वाण तो उसको मत मानिएगा। निर्वाण का मतलब एनलाइटेनमेंट और एनलाइटेनमेंट इसी जन्म में मिलता है। निर्वाण का मतलब होता है कि आपके मन में जो तृष्णा है, लोभ है, डिजायर है, उसका अंत, ना कि शरीर का अंत, ठीक है ना। वो मैं बताऊंगा, परिनिर्वाण को कहते हैं, ठीक है, परिनिर्वाण को कहते हैं डेथ, महापरिनिर्वाण, बहुत महान पुरुष जैसे बुद्ध के सेंस में कहा गया महापरिनिर्वाण, निर्वाण कहा गया ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं भी मिल जाए कि महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया डेथ के सेंस में, उसको मत मानिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया यानी कि एनलाइटेनमेंट मिला इनको, ठीक है ना, एनलाइटेनमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण का मतलब एनलाइटेनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति को ही निर्वाण कहते हैं। तभी तो आपको ज्ञान आ जाता है, आप तृष्णा, लोभ, प्रेम, आशक्त, मोह, डिजायर सबसे आपको मुक्ति मिल जाती है, उसका अंत हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं निर्वाण। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हमने लिखा समेद माउंटेन, माउंट समेता या झारखंड में, माउंट समेता जो कि झारखंड में था, ठीक है। तो ये इनको यहां पर मिलता है ज्ञान, एनलाइटेनमेंट, और इस एनलाइटेनमेंट के बाद हाँ इनका नाम जो होगा, इनको कहा जाता है, इनका नेम जो हो जाएगा, ठीक है, इनको पुरुष, देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, पुरुषाद नियम, ठीक है, पुरुष
पुरुषाद नियम, पुरुषाद नियम, पुरुषाद नियम किसका नाम है तो पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर। इनका सिंबल क्या था? सांप का फन या स्नेक वुड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पुरुषाद नियम किसका नाम हुआ? महावीर स्वामी का। अब उसके बाद इनकी इनकी टीचिंग जो थी पार्श्वनाथ की, अगर हम कहें तो पार्श्वनाथ की टीचिंग के बारे में देखें, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनकी जो टीचिंग है या शिक्षा है, टीचिंग इसको कहा गया है, या तो टीचिंग को कहा गया है हिंदी में चतुर्याम। ठीक है, चतुर्याम शिक्षा। ठीक है, या इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे फोर री रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब जिसपे आपको रोक लगानी है, फोर री रिस्ट्रेंट, चतुर्याम शिक्षा। ठीक है, अब ये क्या था, देखिए इन्होंने क्या क्या चीजें कही। इन्होंने कही नॉन वायलेंस, पहला तो ट्रूथ, दूसरा नॉन वायलेंस, तीसरा अस्ते, जिस इसका मतलब होता है डू नॉट स्टील, डू नॉट स्टील यानी कि चोरी मत करो। ठीक है, और अपरिग्रह, ग्रह इसका मतलब होगा, अपरिग्रह का मतलब होता है, समझ लीजिए, डोंट एकॉमुलेट प्रॉपर्टी मनी एक्सेट्रा, मनी धन संग्रह मत कीजिए, प्रॉपर्टी संग्रह मत कीजिए। ठीक है, तो चार चीजें थी, एक दो तीन चार, चार शिक्षाएं की थी, जिसको फोर रिस्ट्रेंट भी कहा जाता है, मतलब रिस्ट्रेंट का मतलब जिस पे रोक लगा के आपको रखना है, चतुर्याम शिक्षा भी कहा जाता है। तो क्या क्या था, एक तो सच, सच्चाई, ट्रूथ, ठीक है ना, एक तो है ट्रूथ, ध्यान रखिए ट्रूथ, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, ट्रूथ सच्चाई, नॉन वायलेंस अहिंसा, अस्ते, अस्ते कहता है डोंट स्टील, स्टील मतलब चोरी करना, चोरी नहीं करना है, एंड अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब डोंट एकॉमुलेट प्रॉपर्टी और मनी, धन संग्रह नहीं करना है। ये चार टीचिंग इनकी थी। बाद में महावीर जब आएंगे तो इसमें वो सेलिबेसी या कहें कॉन्टिनेंस, कॉन्टिनेंस या ब्रह्मचर्य, जो भी कह लें, मतलब ब्रह्मचर्य को जोड़ देंगे, तो पांचवी टीचिंग के साथ महावीर आएंगे बाद में। ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ देंगे इसमें महावीर, तो पांचवी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पार्श्वनाथ का चार ही था, कहा जाता है कि इसी में महावीर में जोड़ दिया, महावीर ने, महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इनके जो फॉलोअर है पार्श्वनाथ के, ठीक है, यहां तक तो आपने देख लिया। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉलोअर जो है, मेरे ख्याल से कहीं कट ना जाए तो ये मैं मिटा सकता हूं, फादर मदर को तो मैंने बता दिया, तो ये मैं मिटा सकता हूं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये सब भी आपने देख लिया, समेद माउंटेन पे इन्होंने तप किया था, तपस्या की थी। ठीक है, तो यहां पे हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि फिर कहीं उधर कट नहीं जाए, इस वजह से। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया था। अब देखिए इनके फॉलोअर जो हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके फॉलोअर जो कहे जाएंगे, इनके पार्श्वनाथ के जो फॉलोअर होंगे वो कहे जाएंगे निर्ग्रंथ,
निर ग्रंथ। अब आया था ना जैनिज्म को हम लोग श्वेत पट कुरु चक्र ठीक है यापनीय निर्ग्रंथ कुछ भी मिल जाए जैनिज्म से रिलेटेड है। निर्ग्रंथ यानी निर्ग्रंथ का मतलब होता है निर्ग्रंथ और इसका मतलब होता है बंधन रहित, बंधन से मुक्त निर्ग्रंथ हो गए ठीक है। और इनके फॉलोअर्स निर्ग्रंथ कहे जाते हैं और पहली बात तो निर्ग्रंथ कहे जाएंगे और ये ब्लैक कपड़े पहनेंगे ब्लैक क्लोथ्स। ब्लैक क्लोथ ये कहते हैं कि काले कपड़े पहनते हैं निर्ग्रंथ कहे जाते थे और काले कपड़े पहनते थे। इसके अलावा देखिए इन्होंने जब जैन धर्म का प्रचार किया पार्श्वनाथ ने, ध्यान दीजिएगा हम आज महावीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ पार्श्वनाथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जब प्रचार किया तो जहां जहां प्रचार किया उस एरिया को ठीक है ना चार भागों में बांट दिया, चार भागों का मतलब चार गणों में बांट दिया। तो इनका जो इन्होंने चार भागों में इनके चार गण थे, चार गण मैं लिख रहा हूं गण जिसे हम संघ भी कहते हैं संघ ठीक है। तो ये गण क्या थे एरिया ऑफ हिट स्प्रेड ऑफ जैनिज्म ठीक है एरिया ऑफ स्प्रेड ऑफ जर्नलिज्म प्रचार जहां जहां किया था इन्होंने तो उसको चार पार्ट में संघ वहां बना दिया जैसे बहुत धर्म में है हमने पढ़ा था। तो चार गण और गण का जो प्रमुख होगा ठीक है ना इसका जो चीफ होगा प्रमुख होगा गण का उसको कहा जाएगा गणधर। चार गण में बांट दिया उस एरिया को जहां जहां पार्श्वनाथ ने जैन धर्म का प्रचार किया चार गण में बांटा। इस गण को ही संघ कहते हैं और इस संघ के मतलब गण के मुखिया को प्रमुख को गणधर कहा जाता है यानी चार अलग अलग गणधरों के अंदर में उन्होंने संघों को रखा होगा ठीक है। बाद में ठीक है ये मैं मिटा दूं बाद में देखिए महावीर ने यहां मैं लिखता हूं महावीर स्वामी ने 11 गण बनाए ठीक है 11 गण बनाए ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक हमने देखा कि जो हिस्टोरिकल तीर्थंकर है उसमें दो ही हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ 23वें हैं 24वें हैं महावीर स्वामी। आज हमने पढ़ा पार्श्वनाथ को और इसमें जो जो हमने पढ़ा माता पिता का नाम हमने पढ़ लिया ठीक है। अभी हमने पढ़ा था माता जो थी पिता जो थे वो अश्वसेन थे काशी के राजा थे उन्हीं के बेटे थे पार्श्वनाथ और माँ थी माँ का नाम प्रभावती देवी था अभी मैंने बता दिया। फिर ये 30 साल के एज में घर छोड़ते हैं और समेध पर्वत पे जिन्हें माउंट समेता भी कहा जाता है हाँ झारखंड में जो है वहां पे ये 83 दिन की कठिन तपस्या करते हैं और उसके बाद वहीं इनको एनलाइटेनमेंट यहाँ ज्ञान यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद इनका नाम पड़ता है पुरुषार्थ नियम। तो आ जाए कभी कि पुरुषार्थ नियम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है देखिए ये सवाल बनेगा पुरुषार्थ नियम किसके लिए तो पार्श्वनाथ के लिए या पुरुषार्थ नियम हाँ किस तीर्थंकर के लिए यूज किया जाता है सिर्फ तीर्थंकर का नंबर दे देगा 23rd, 24th, 1st तो आपको लगाना पड़ेगा 23rd तीर्थंकर के लिए पुरुषार्थ नियम ठीक है। उसके बाद इनकी जो टीचिंग थी उसको हम चतुर्याम शिक्षा भी कहते हैं फोर रिस्ट्रेंट भी कहते हैं। रिस्ट्रेंट का मतलब रोक लगाना किन किन चीजों पे रोक लगाना है फोर रिस्ट्रेंट का मतलब झूठ नहीं बोलना है या सच्चाई पे चलना है ठीक है। डोंट स्टील सॉरी ये डोंट टेल ए लाई इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं सच्चाई पे रहना है या डोंट टेल ए लाई यानी झूठ नहीं बोलना है रिस्ट्रेंट से रिलेटेड है। उसके बाद नॉन वायलेंस अहिंसा को फॉलो करना है। अस्ते डोंट स्टील चोरी नहीं करना है
और अपरिग्रह यानी कि यू डोंट हैव टू एकोमुलेट मनी और प्रॉपर्टी, धन संग्रह नहीं करना है। तो ये चार जो इनकी शिक्षा थी इसको आपको याद रखना है। इसी में जोड़ेंगे महावीर बाद में आके, ब्रह्मचर्य पांचवी टीचिंग वो जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमने सारा चीज बता दिया, फॉलोअर इनके निर्ग्रंथ कहे गए, ठीक है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधन रहित, ठीक है, बंधन रहित, फ्री ऑफ एनी चेन, ठीक है ना। और इनके फॉलोअर निर्ग्रंथ कहे जाते थे, ये काले कपड़े पहनते थे, ब्लैक क्लोथ पहनते थे, ठीक है। और इन्होंने जहां जहां जैन धर्म का प्रचार किया उसे चार गणों में या चार संघों में बांट दिया। हाँ, हर संघ का एक मुखिया होता था, उस मुखिया को गणधर कहते हैं। हाँ, संघ प्रमुख चीफ गणधर कहला, चारों का नहीं, हर गण का एक होगा, ठीक है। चीफ मतलब मैंने लिखा है एक गण का जो मुखिया होगा उसको गणधर कहा जाता है, यानी चार गणधर होंगे, ठीक है। उसके बाद महावीर ने इसी गणधर को चार के से 11 कर दिया, 11 पार्ट में से कर दिया महावीर ने, ठीक है ना, 11 गण बना दिया। तो ये आगे हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से हमारा जैन धर्म पे आज पहला वीडियो जो है वो खत्म होता है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।